हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम करेंगे अधिगम के चरण या सोपान या प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। सीखने के वो कौन कौन से चरण हैं जिससे व्यक्ति जो है वह कोई भी चीज़ अधिगम करता है, ठीक है, या सीखता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आवश्यकता या प्रेरक या अभिप्रेरणा। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य या उद्देश्य। थर्ड पॉइंट है बाधा या तत्परता। फोर्थ जो है अधिगम स्थिति या जिसे हम वातावरण जो है वह भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पर अधिगम स्थिति या वातावरण। फिफ्थ नंबर पर है अनुक्रिया, उसके बाद है समायोजन, और सिक्स नंबर पर है व्यवहार में परिवर्तन, और एट है स्थायीकरण, यानी कि आठ स्टेप हैं जिनसे होकर अधिगम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि आवश्यकता, लक्ष्य, बाधा, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, या बीच में से ही उठाकर पूछ लिया जाएगा कि अधिगम स्थिति, अनुक्रिया, समायोजन, उसके बाद जो है कौन सा स्टेप आएगा, ठीक है। तो ये आठ स्टेप हैं, या फिर चार जो हैं ऑप्शन होंगे जिसमें तीन ऑप्शन जो है इनमें से दे दिया जाएगा और चौथा पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अधिगम का स्टेप नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही याद रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए आवश्यकता, प्रेरक या अभिप्रेरणा। तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नीड, यानी यदि आपकी आवश्यकता ही नहीं होगी तो आप कोई भी चीज नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और यदि आपको एग्जाम में आवश्यकता नहीं मिले, प्रेरक और अभिप्रेरणा तो मिलेगा ही। उसके बाद आप क्या करोगे, लक्ष्य या उद्देश्य डिसाइड करोगे। लक्ष्य जो है एक विस्तृत शब्द है जबकि उद्देश्य जो है वह छोटा है, यानी छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर जो है जो भी आपने डिसाइड किया है लक्ष्य उस तक पहुंचते हो, ठीक है। तो सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आवश्यकता। आपके अंदर जो आवश्यकता है वह आपको जो है बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगी, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। इन बाधाओं को पार करने पर जो है वातावरण जो आपको मिलेगा, जो भी अधिगम स्थिति आपको मिलेगी, परिस्थिति जो मिलेगी, वह भी आपके अधिगम को प्रभावित करेगी। उसके बाद आप जो है बहुत सारी क्रियाएं करना प्रारंभ कर दोगे, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है। और उन क्रियाओं को करते करते जो है आप जो है समायोजन स्थापित कर लोगे। उसके बीच में आप बहुत सारी गलतियां करोगे, गलती करने के बाद भी आपने जो भी लक्ष्य डिसाइड किया था तो वहां पर आप जो है वो पहुंच जाओगे, और पहुंचने के बाद जो है आप क्या करोगे, उस स्थिति से आपका समायोजन हो जाएगा और फिर व्यवहार में आपके होगा क्या, परिवर्तन, ठीक है। और ये परिवर्तन जो है कैसा होगा, स्थायी। तो यहां जो है अधिगम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपकी आवश्यकता हुई, आवश्यकता के बाद जो है आपने लक्ष्य डिसाइड किया, लक्ष्य के बाद जो है बहुत सारे जो है बाधाएं आई, बाधाएं आने के बाद जो है जो वातावरण था उसने भी आपको प्रभावित किया, तब भी आपने बहुत सारी क्रियाएं की, क्रियाएं करने के बाद, गलतियां करने के बाद आप सीखे, और सीखने के बाद जो है आपका एडजस्टमेंट बैठ गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया और वो परिवर्तन जो है वो स्थायी हो गया। फिर देखें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम यानी सीखने को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, वातावरण तो प्रभावित करता ही है, इसके अलावा और कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है बुद्धि। बुद्धि जो है वह अधिगम को प्रभावित करती है। कैसे, अत्यधिक बुद्धिमान जो बालक होगा उसको हम कोई भी विषय वस्तु सिखाना चाहें सिखा सकते हैं, वो सीख जाएगा, अधिगम कर लेगा। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक है उसको सिखाने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेकंड देखिए रुचि। यदि बालक की उस चीज में रुचि है फटाफट से सीख लेगा, यदि वह अरुचि दिखाता है उस चीज में तो वह नहीं सीख पाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा जो है जो कि 11th 12th में उसे जो है सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो उसको जो है जबरन साइंस दिला दिया जाता है जबकि उसकी रुचि आर्ट्स में है, तो वह कर तो लेगा, साइंस को पढ़ तो लेगा, लेकिन वो गिर पड़ के जो है वह पास होगा, उसकी रुचि नहीं है। इस वजह से यदि उसकी रुचि के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट दे दिया जाए तो वही बालक जो है जो कि अधिक बुद्धिमान जो है क्लास में कहलाएगा। तो रुचि जो है वह भी मैटर करती है सीखने में। फिर देखें अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ये तो सबसे पहला स्टेप है अधिगम का जो हमने देखा, इसके बगैर तो आप अधिगम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो स्किनर हैं वो अभिप्रेरणा के बारे में एक लाइन कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, सबसे उत्तम राजमार्ग है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया का तो प्रारंभ ही नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेरणा जो है वह बहुत
जरूरी है। यदि हम बच्चे को मोटिवेशन दे देते हैं तो वह उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है अधिगम पर। जब बालक शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है तो बहुत आसानी से चीजों को सीख जाएगा। यदि वह अस्वस्थ है तो वो नहीं सीख पाएगा, उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट देखें परिपक्वता यानी मैच्यूरेशन, जिसकी बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, परिपक्वता और सीखना जो है वो दोनों अलग अलग क्रियाएं तो नहीं है, मैंने आपको बताया था ये एक दूसरे से ही संबंधित हैं। लेकिन परिपक्वता जो कि शारीरिक जो परिवर्तन है उसको दर्शाती है, तो ये भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है कि जैसे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है, यदि हम उसको जो है वाक्यों का ज्ञान देने लग जाएं तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उस चीज के लिए अभी परिपक्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें आयु, उम्र जो है वह भी प्रभावित करती है। एक जो शैशवावस्था में बालक जो है वो बहुत धीमी गति से सीखेगा, हालांकि सबसे ज्यादा कैचिंग करने की पावर उसी में होती है। उसको हम जितना सिखाना चाहें शैशवावस्था में सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से सीखता है। उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा उससे तेज गति से सीखता है, किशोरावस्था में सबसे अधिक तेज गति से सीखता है। तो उम्र जो है वह भी प्रभावित करती है। रुचि, रुचि की हमने बात कर ली। फिर देखिए सीखने की विधि यानी सीखने की कौन कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया है। यदि बच्चों के अकॉर्डिंग कोई टेक्निक है तो उसमें वो रुचि दिखाएगा सीखने में और फटाफट से उसको सीख जाएगा, और सीखने की विधि ही ऐसी बोरिंग वाली है तो वह नहीं सीखेगा। तो यहाँ विधि जो है वह भी प्रभावित करती है। संवेगात्मक स्थिति यानी संवेग इमोशन, यदि कोई बालक जो है अपने इमोशन पर कंट्रोल कर पाता है, नियंत्रण कर पाता है, तो वह आसानी से जो भी विषय वस्तु उसके सामने दी जाएगी वो कर देगा। वहीं पर दूसरा बालक जो कि अपने संवेगों पर ही नियंत्रण नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो जो है आसानी से नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट देखें सीखने की तत्परता। यदि सीखने की तत्परता है और उसके जो मन में ये है कि हाँ मुझे ये सीखना है और तत्पर है उस चीज के लिए, तो उसमें देरी नहीं लगती है। तो सीखने की तत्परता वह भी प्रभावित करती है। जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति ये दोनों ही होती हैं, तो वह बहुत जल्दी से उस चीज को सीख जाएगा, चाहे कोई भी कार्य कितना भी कठिन हो, ठीक है। और यदि उस तत्पर है उस चीज के लिए तो वो आसानी से उस चीज को जो है वो ग्रहण कर सकता है। तो एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, जैसे घोड़ा जो है यदि तालाब तक जाकर पानी पीना चाहता है तो आराम से चला जाएगा, यदि वो नहीं पीना चाहता तो आप उसको घसीटते रहिए, उसको जबरन ले जाइए, बहुत परेशानी आएगी, ठीक है। तो घोड़े को तालाब तक ले जा तो सकते हैं हम, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पानी वो नहीं पिएगा क्योंकि पानी उसको पीना ही नहीं था, वो तत्पर ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कोई बच्चा जो है उसको हम कोई बुक लाकर दे देते हैं, यदि उसको पढ़ने की रुचि नहीं है, वो तत्पर ही नहीं है, तो क्या आप जबरन उसको पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद देखें वातावरण, एनवायरनमेंट जो है वह बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आसपास का जो वातावरण, कैसी क्रियाएं वहां हो रही हैं, कैसा वो प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को देख रहा है, वह भी जो है कारक प्रभावित करता है अधिगम को। अब जहां पर एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो बच्चा जो है बिल्कुल मानसिक तौर पर स्वस्थ है, चीजों को बहुत जल्दी सीख जाएगा। और किन्हीं घरों में देखिएगा वहां पर लड़ाई, जो कलेश वो चीज रहती है, नेगेटिव माहौल है, तो बच्चा जो है वह कैसे सीख सकता है, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उस चीज को वो नहीं सीख पाएगा। तो सीखने के लिए वातावरण जो है वह भी पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। उसके बाद देखें अध्यापक की विषय पर अधिकार। यदि अध्यापक का उस विषय पर कमांड ही नहीं है तो वो अध्यापक सही से नहीं सिखा पाएगा और बच्चे जो है उसको नहीं सीख पाएंगे। साइंस के टीचर को यदि आर्ट्स के सब्जेक्ट दे दें या आर्ट्स के टीचर को साइंस का सब्जेक्ट दे दें तो वो उसे नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से बच्चे नहीं सीख सकते। तो अध्यापक की विषय पर अधिकार ये होना भी जरूरी है, जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। अध्यापक की संप्रेक्षण योग्यता कि किस तरीके से वो बच्चों के साथ तालमेल बैठाता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है उसका है बच्चों के साथ, ठीक है, तो वो भी प्रभावित करता है अधिगम को।
तो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में यहाँ जो भी चीजें आपकी लिखी हुई हैं इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, घुमाकर क्वेश्चन जो है वह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, इन चीजों को समझते हुए चलना है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहां पर परिभाषाओं की बात है वो तो आपकी ऐसे ही उठकर पूछ ली जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, तो ये परिभाषा किसकी है, तब आप बिल्कुल आसानी से लगा दोगे, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ठीक है, जहां पूछ लिया जाए कि जो अनुभवों के कारण जो है व्यवहार में होने वाला जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन इसको कहा जाता है, तो वहां ऑप्शन देंगे संवेग को, स्मृति को, अधिगम को या अभिप्रेरणा को। तो हम अधिगम का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा अधिगम को कहते हैं, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में अभिप्रेरणा भी आ सकता है। जब हम सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं तब हमारे साथ ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो बार बार चीजों को पढ़िए तो ये भी आप सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमने अधिगम में पढ़ा ही ये है कि या तो अनुभव मैटर करता है या प्रैक्टिस मैटर करती है सीखने में। उसके बाद देखिए अधिगम के अनुक्षेत्र यानी डोमेन्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहला है अधिगम का संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। तो अधिगम का संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या आ जाएगा? संज्ञान। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? हमारे माइंड से संबंधित होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जब हम संज्ञान की बात करेंगे तो आपका इशारा कहाँ होना चाहिए? हमारे माइंड पर, हमारी सोचने, समझने, तर्क करने की शक्ति पर होना चाहिए। इससे संबंधित अधिगम का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, और इस व्यवहार में ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क इनकी मुख्य भूमिका रहती है। ठीक है, तो सोचना है, कल्पना करना है, तर्क करना है, वर्णन करना है, व्याख्या करना है, स्मरण करना है, तो इसके लिए हमें चलने, बैठने, उठने की जरूरत नहीं है। ये हम एक जगह बैठकर जो है ये कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी माइंड जो है वो काम करेगा या हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है वह काम करेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सीखने का क्रियात्मक अनुक्षेत्र, अधिगम का क्रियात्मक अनुक्षेत्र। तो यहाँ क्रिया करके जो है चीजें सीखी जाएंगी। इसका उद्देश्य अधिगमकर्ता के क्रियात्मक या मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, और ये आ जाएंगे इसमें चलना हो गया, दौड़ना हो गया, उतरना हो गया, चढ़ना, नाचना, गाना, खाना, पीना। ठीक है, जिसके द्वारा अधिगम होता है। तो इस क्षेत्र में क्या आ जाएगा? जो भी हम मनोशारीरिक क्रियाएं करेंगे, ठीक है, और इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे कि छोटा बच्चा जो है वह किस तरीके से चलता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है वह धीरे धीरे जो है उसी वातावरण में वह चलना जो है वह अच्छी तरीके से सीख जाता है। ठीक है, दौड़ना सीख जाता है, पहले उसे नहीं आता है लेकिन धीरे धीरे वह लोगों को देखकर, अनुभवों के द्वारा या अभ्यास के द्वारा जो है दौड़ना भी सीखता है, उतरना सीखता है, चढ़ना, खाना पीना, ये सब क्या है, सीखने में ही आएगा। अधिगम का भावात्मक अनुक्षेत्र, तो यहाँ हम भाव की बात करेंगे। अधिगमकर्ता के भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना, जैसे दुखी होना, सुखी होना, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि की अभिव्यक्ति करना, तो ये किस अनुक्षेत्र में आएगा? भावात्मक अनुक्षेत्र में आएगा। तो तीन अनुक्षेत्र हैं, एक तो भावात्मक है, क्रियात्मक है और ज्ञानात्मक है। ज्ञान जो हमारे माइंड से संबंधित है, क्रिया करने से संबंधित है, और भाव जिनको हम फील करें। अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो ऑसोबेल ने सीखने के चार प्रकार बताए हैं कि हम कैसे कैसे सीख सकते हैं। तो हम अभिग्रहण जो है इसके द्वारा सीख सकते हैं, अन्वेषण खोज के द्वारा सीख सकते हैं, हम कोई चीज को रटकर सीख सकते हैं, या हम उस चीज का जो है मीनिंग निकाल कर भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है चार जो है प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहला देखिए अभिग्रहण सीखना। तो अभिग्रहण के द्वारा कैसे ग्रहण करना है, ठीक है, और ये ग्रहण जो है हम कैसे करते हैं? या तो हम लिख कर सीखते हैं कोई चीज, या हम बोल कर सीखते हैं। तो इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है, और अधिगमकर्ता उस सामग्री को क्या करता है, आत्मसात कर लेता है। जो वह समझकर करता है या रटकर करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसके द्वारा भी सीखा जाता है।
दूसरा देखिए, दूसरा प्रकार है अन्वेषण सीखना, यानी खोज के द्वारा भी सीखा जाता है। ये प्रकार में खोज करनी है। इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता को दी गई सामग्री में से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। ठीक है, तो खोज करके भी सीखा जाता है। तीसरा स्टेप जो कि रटकर सीखना है, बिना अर्थ समझे, कोई अर्थ नहीं समझा और हमने उसे रट लिया तो हम सीख जाते हैं। तो जो कि प्राथमिक विद्यालय, जो विद्यालय होते हैं, प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं, वहां पर ये चीज जो है वह होती है कि वहां पर बच्चों को अर्थ नहीं पता होता है, वो उस चीज को रट लेते हैं और वह सीख जाते हैं। फिर देखिए अर्थपूर्ण सीखना, अब ये जो है बड़ी क्लासेस में होता है, उस हर चीज का जो है मीनिंग पता होना चाहिए और फिर उसके द्वारा ही समझ कर उस चीज को सीखा जाता है। इस प्रकार में सीखने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझ कर और उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि हमने जो है पूर्व ज्ञान में जो चीज ली थी तो उसके आगे का स्टेप क्या होगा, तो उसके लिए उस चीज का अर्थ जानना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम उसका संबंध बिठाते हैं पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के साथ, तो ऐसे भी सीखा जाता है। उसके बाद देखिए रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न आता है। तो इनकी बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, बुक का नाम भी याद रखिए। गैने के अनुसार जो अधिगम है, सीखना है, वह सरल से जटिल की ओर होता है। ठीक है, निम्न से उच्च स्तर की ओर जो है वह अधिगम होता है। तो इन्होंने जो 8 प्रकार बताए हैं उसमें सबसे फर्स्ट है संकेत अधिगम, यानी सीखना जो है संकेतों के माध्यम से, सिग्नल लर्निंग। जैसे कि हम लोग जो हैं छोटे बच्चों को यदि ABCD सिखाते हैं तो वहां पर हम चित्रों का सहारा लेते हैं या संकेतों का सहारा लेते हैं। चित्रों को दिखाकर हम बताते हैं कि ये क्या है, ए से एप्पल है। ठीक है, या संकेत हम दिखाते हैं ए और हम बताते हैं कि इससे जो है एप्पल बनता है। ठीक है, ए से एप्पल बनता है, तो इनके माध्यम से भी हम जो है अधिगम करा सकते हैं। तो पेवलोव ने जो अपनी थ्योरी दी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तो उन्होंने संकेत अधिगम का प्रयोग किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अधिगम का स्टेप बताया इन्होंने संकेत अधिगम, बहुत ही आसान था, जो कि सबसे छोटी क्लासेस में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट देखें उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु यदि हम सामने दिखाएं तो उसके प्रति जो है अनुक्रिया करना। तो यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया जो अधिगम है, जहां हम थॉर्नडाइक की थ्योरी देखेंगे, तो उन्होंने उद्दीपक दिखाकर जो है बिल्ली पर प्रयोग किया। इस अधिगम में किसी विशेष उद्दीपक के प्रति विशेष अनुक्रिया संबंधित हो जाती है। थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है यह उद्दीपक अनुक्रम अधिगम। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए रेड लाइट को देखते ही स्टॉप हो जाना, तो रेड लाइट क्या है, उद्दीपक है, और स्टॉप होना ये क्या है, अनुक्रिया है। यानी किसी उद्दीपक को देखकर जो क्रिया की जाए तो उसके द्वारा भी अधिगम होता है। ठीक है, थर्ड जो स्टेप है वह है गत्यात्मक या अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। तो यहां पर शब्द यानी शब्द का प्रयोग नहीं, यहाँ पर जो है व्यक्ति गति यानी कि कार्य करके जो है वह सीखता है। इस प्रकार की अधिगम में कई उद्दीपकों को लगातार एक ही क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके प्रति क्रम से ही अनुक्रियाएं की जाती हैं। तो बहुत ही आसान सा जो है मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा कि बालक को जो है सबसे पहले रिमोट दिखाया, ठीक है, और माँ द्वारा जो है रिमोट बोला गया। अब जैसे ही उसने रिमोट को देखा तो उसको ये नहीं पता था ये रिमोट है, माँ ने जो है बोल दिया अब रिमोट, तो अब उसने जो है जो रिमोट दिखाया और बोला, इन दोनों के बीच में संबंध बैठा लिया और उसको पता लग गया कि ये क्या है, रिमोट है। ठीक है, बार बार माँ ने जो है इस चीज को किया और अभ्यास से बालक जो है उस चीज को सीख जाता है। नेक्स्ट देखिए शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, वर्बल चेनिंग लर्निंग। इसमें शब्दों से संबंधित कोई श्रृंखला प्राणी के सामने जो है प्रस्तुत की जाती है। इससे पहले जो है शब्दों की श्रृंखला नहीं बल्कि उसे वो चीज जो है वो दिखाई गई, उसके बाद जो है बोला गया। यहाँ पर शब्दों से संबंधित कोई श्रृंखला जो है उसके सामने पेश की जाती है और उसी श्रृंखला को याद करना ही शाब्दिक अधिगम है। कैसे, जैसे हिंदी के माचिस शब्द बोलते हुए इंग्लिश का मैच बॉक्स सीख जाना, तो ये था शाब्दिक अधिगम श्रृंखला। नेक्स्ट देखिए बहुविवेदन या विवेदन अधिगम, यानी कि बहुत सारे उद्दीपक जो हैं
बालक के सामने जो है वो प्रस्तुत किए जाएं और उसे चुनाव के लिए कहा जाए। इस प्रकार के अधिगम में प्राणी के सामने प्रस्तुत विभिन्न उद्दीपकों में सही उद्दीपक की पहचान कर जो है अनुक्रिया करनी होती है और इस तरीके से वह सीखता है। नेक्स्ट देखें संप्रत्यय अधिगम यानी कंसेप्ट लर्निंग। इस अधिगम में प्राणी पूर्व अनुभवों और प्रशिक्षण तथा विभेदन के आधार पर संप्रत्ययों का निर्माण करना सीखता है। जैसे कि जब वह सीख जाता है आकार के बारे में, ठीक है, आकार क्या है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, आकार के बारे में सीख जाता है तो उसके सामने यदि ये ट्रायंगल आता है, सर्कल आता है, ठीक है, तो इन चीजों को जो है वह देखते ही बता देगा क्योंकि उसके माइंड में आकार का जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो चुका है। तो इनको देखते ही वह ये नहीं बोलेगा ये आकार है, बोलेगा ये तो त्रिभुज है, ये सर्कल है, ठीक है, ये आयत है। तो यहाँ पर बहुविवेदन या विवेदन अधिगम, जैसे हम लोग जो रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग का जो बच्चा होता है उसके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको सही जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना होता है, तो वहां पर ये वाला अधिगम जो है वह आता है, ठीक है। संप्रत्यय अधिगम जहां पर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वह कोई भी चीज उसके सामने उस कंसेप्ट से संबंधित पेश की जाए तो वो उस चीज को जो है उसका जो पर्टिकुलर नाम है वह चीज बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट देखिए सिद्धांत अधिगम, जब उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वह उस सिद्धांत पर पहुंच जाता है। तो ये जो बड़ी क्लासेस होती हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहां पर ये अधिगम जो है वह होता है। इस प्रकार के अधिगम में किसी प्रक्रिया, घटना या संप्रत्यय को संचालित करने की कार्यविधि संबंधी क्रमबद्ध तथा तार्किक विवेचन होता है, जब बच्चा तर्क वितर्क करना भी सीख जाता है। तो इस चीज को समझिए कि बहुत सारे कंसेप्ट जो है वह मिलकर जो है एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बर्फ गर्मी पाकर पिघलना, यानी कि जो बर्फ है, बर्फ जो है खुद अपने आप में क्या है, एक कंसेप्ट है, एक संप्रत्यय है, वह एक ठोस रूप है। यदि उसको हीट दी जाए यानी उसकी गर्मी जैसे ही वह है पा लेता है बर्फ, तो उसका पिघलना ये भी क्या है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, बर्फ का गर्मी पाकर पिघल जाना। तो ये चीज जो है बहुत सारे कंसेप्ट जब समझ में आ जाते हैं बच्चे को तो एक सिद्धांत जो है वह बन जाता है, इसके द्वारा भी वह अधिगम करता है। समस्या समाधान अधिगम, अब जब वो सिद्धांत पर आ गया है तो वह बालक जो है उसके सामने कोई भी समस्या आ जाएगी तो वो उसको खुद सॉल्व कर लेगा। सबसे जटिल अधिगम जो है प्रयत्न भूल सूझ द्वारा, या तो वह प्रयत्न करेगा या वह गलतियां करके उस समस्या का समाधान करेगा या वह सूझ के द्वारा कर देगा। इस प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है तथा वह अपनी विभिन्न मानसिक शक्तियों, तर्कों, विश्लेषण द्वारा जो है उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये जो है स्टेप है रॉबर्ट गैने के अनुसार, यानी सबसे पहले बहुत आसान चीज जो है उसके द्वारा अधिगम होता है। सबसे पहले संकेत अधिगम, चीज दिखाई, बच्चा उस चीज को बोलना सीख गया, ठीक है, उसके बाद उसको वस्तुएं जो जो भी दिखाई जाती है उसके प्रति वह करके देखता है, अनुक्रिया करता है, ठीक है, और वह सीख जाता है। तीसरा अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम द्वारा वह सीखता है, उसके बाद जो है शब्दों का प्रयोग करके उसे सिखाया जाता है। फिर और बड़ी क्लासेस में आता है तो वो उसके सामने जो है बहुत सारे उद्दीपक पेश किए जाते हैं, चुनाव करना सीखता है, उसके बाद उसके माइंड में एक कंसेप्ट जो है वह बन जाता है और कंसेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं तो वो रूल बनाना सीख जाता है, ठीक है, और इसके बाद जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या कर देता है, वो समाधान कर देता है। तो इस तरीके से निम्न से उच्च स्तर तक वह जाता है अधिगम में। रॉबर्ट गैने के अनुसार ये आठों स्टेप जो है वो आपको लर्न करने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि रॉबर्ट गैने के अनुसार उच्च स्तर में कौन कौन से हैं। तो यहाँ बहुविवेदन अधिगम, संप्रत्यधिगम, सिद्धांत निर्माण, समस्या समाधान, ये सभी उच्च स्तर में आएंगे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तर जो है समस्या समाधान है। वहीं पर निम्न स्तर में कौन कौन से आ जाएंगे, तो यहाँ निम्न स्तर में आ जाएंगे संकेत या अनुबद्ध अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, ठीक है, जिसमें से सबसे जो निम्न स्तर है वह कौन सा है, संकेत या अनुबद्ध अधिगम, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर हम देखते हैं तो जैसे कि 1 to 5, तो यहाँ शाब्दिक अधिगम तक जो है वह आएगा। उसके बाद जो क्लासेज होती हैं तो 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है, तो वहां पर जो है ये स्टेप फॉलो होंगे। तो ये 8 स्टेप जो है वो आप याद रखिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।